चलिए थोड़ा मेरे परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। मैं चूरू जिले के एक जैत सिसर गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर लगभग लोग कृषि पर निर्भर है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम भी, जो हमारा परिवार भी है, वो उसी कार्य में संलग्न है। दूसरी कविताओं की शुरुआत हुई, पहले यहाँ अपने गांव में जिस विद्यालय में मैं अध्ययन करता था, उस विद्यालय से 11वीं के लगभग ये शुरुआत हुई। उसके बाद बीच में थोड़ा समस्याओं के चलते इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं गया, या यूं कह दूं कि थोड़ी हालात खिलाफ थे, जिस कारण मैं इस समय के दौरान कुछ ही कविताएं कर पाया। उसके बाद जैसे ही कॉलेज जाने का अवसर मिला, तो वहाँ वापिस ये पटरी पर आया, जो मेरे कविता का संसार है, वो वापिस परवान चढ़ा। वहाँ पर, क्योंकि आप जब भी जाओगे वहाँ देखोगे, तो वहाँ पर जितने भी अध्यापक है या फिर विद्यार्थी है, जो अध्यापकगण है, वो लगभग लगभग सारे के सारे लेखन कार्य करते हैं। वहाँ से प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से मतलब जीवन में इस पथ पर कुछ आगे बढ़ पाए। जन सरोकार मंच टोंक, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच का, जो ये मंच है, वो आज के क्षेत्र के जो मेरी तरह युवा लोग हैं, उन सबको प्रोत्साहन देता है। अब चलिए मैं मेरी कविता शुरू करता हूं। आज हम कविताओं का पाठ, सर्वप्रथम मैं मेरी रचना शुरू करता हूं। अभी पथ खुला है, अभी पथ खुला है, शीर्षक नाम की मेरी रचना है। चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। अभी पथ खुला है, शीर्षक नामक मेरी कविता है। अभी पथ खुला है, निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। अरे तू पथ क्यों बोला है, अरे तू पथ क्यों बोला है। माना माना कुछ विपदा है राह में, फिर भी तू अपना वादा क्यों बोला है, फिर भी तू अपना वादा क्यों बोला है। अरे निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। अरे दृढ़ निश्चय बन, आगे बढ़, तभी तो हमारा सीना फूला है, वरना तो ये जीवन ही अधर का झूला है, वरना तो ये जीवन ही अधर का झूला है। अरे निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। बीच राहों में देख तूफानों को अपना रुख मत तो मोड़ना, बीच राहों में देख तूफानों को अपना रुख मत मोड़ना, तू अपना विश्वास कभी मत तोड़ना। अरे इंसानों का सामर्थ्य तो सदा विपदाओं में तुलाए, इंसानों का सामर्थ्य तो सदा विपदाओं में तुलाए। अरे निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। अरे तुझ में अंशुमाली सा साहस है, जिसे तू अभी भुला है। अरे आत्मविश्वास अडिगता का शौर्य, आत्मविश्वास अडिगता का शौर्य तो तुम्हारी रगों में घुला है, तुम्हारी रगों में घुला है। अरे निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। अरे निराश मत हो पथिक, अभी पथ खुला है। यह मेरी पहली कविता जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मेरी अगली कविता है, एक राजस्थानी कविता है, टाब्बर। राजस्थानी कविता है टाब्बर। अगली कविता राजस्थानी कविता टाब्बर। पहली रोंता टब्बर, चूरमो चूर के दया, रोंता थम जानता। पहली रोंता टब्बर, चूरमो चूर के दया, रोंता थम जानता। आज ई टाइम में सिद्धो टब्बर ने टच फोन पकड़ावे, आज ई टाइम में सिद्धो टब्बर ने टच फोन पकड़ावे। कदी कदी वो भी नहीं जोरों भगावे, फिर गरगा बिन फास्ट फूड गा, कुरकुरा चिप्स खुआवे। वो टाबर माखनू ईड़ा करवावे, वो चूरमो कोनी खावे, वो चूरमो कोनी खावे। हाँ जी, चंद्रवीर सिंह की टाबर मिस लड़का, छोटा बच्चा, ये मैंने उन आज के समय के जो अभिभावक बंधु है, उनको सावधान करने का प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं, उनको जो बचपन है वो मोबाइल
फोन में नहीं बीतना चाहिए, बल्कि कुछ शारीरिक खेल है उनसे संबंधित, जिनसे जिनसे उनकी मानसिक जो क्षमता है वो कमजोर हो वो सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा सके। क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब लगभग लगभग मोबाइल के ही चिपके मिलते हैं, इसलिए जो शारीरिक खेल है वो मानसिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसलिए शारीरिक खेलों को महत्व दिया गया है। मेरी अगली कविता है संघर्ष की बाजी। अगली कविता है मेरी संघर्ष की बाजी। संघर्ष की बाजी नामक शीर्षक कविता है मेरी। कहाँ होती है गिनती मजदूर की मजबूती की, बीत जाता है उसका जीवन दूसरों के कमाने में, बीत जाता है उसका जीवन दूसरों के कमाने में, दूसरों के कमाने में कहाँ उसके भाग्य में सुख चैन ऐश्वर्य, वो तो भगवान का सच्चा सेवक पावन धरा का सच्चा पालक, वो जी रहा है लड़कर अनगिनत मुसीबतों से, वो हर बार संघर्ष की बाजी दुनिया से हारता है, वो हर बार संघर्ष की बाजी दुनिया से हारता है, खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए खुद को ही रोज मारता है, खुद को जिंदा रखने के लिए खुद को ही रोज मारता है। संघर्ष की बाजी शीर्षक नामक मेरी ये कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। जैसे भी लगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कविताओं की जो आवाज़ है ना वो हर जन तक जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन कविताओं को आप शेयर जरूर करें ताकि हर जन तक ये आवाज़ पहुँचे। मैं आप ही में से उठा हुआ एक विद्यार्थी हूँ, एक बच्चा हूँ। चलिए अगली कविता का रुख करते हैं। अगली कविता है मेरे खेतों की मिट्टी। मेरे खेतों की मिट्टी, मेरे खेतों की मिट्टी में मेरी जान बसती है, जब भी बोता हूँ बीज उग जाती है फसलें, मानो खूब हंसती है, खूब हंसती है। मैं खुद बासी खाकर भी तुम्हें नया खिलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इस पवन धरा का जाया हूँ और मैं सच्चा धरती पुत्र हूँ। मैं किसी को भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इस पावन धरा से किया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस धरा का सच्चा भगत हूँ। परिश्रम के प्रति मैं सख्त हूँ, आंधी तूफानों से लड़कर भी जीतने आया हूँ। इस पावन धरा के कर्ज की डोर सदियों से मैं खींचते आया हूँ। मैं तो बस इस मिट्टी के लिए मर मिटने आया हूँ। मैं तो अपने ख्वाब पीछे छोड़कर आया हूँ, औरों के सपने साकार करने इस धरा पर आया हूँ। मैं तो खुद हार कर भी औरों को जिताने आया हूँ। मैं तो सोए हुए कुछ सपूतों को नींद से जगाने आया हूँ। अरे उठो, तुम्हें वक्त की महत्ता समझाने आया हूँ। मैं तो मेरे खेतों की कहानी सुनाने आया हूँ। ये मेरी थी मेरे खेतों की मिट्टी शीर्षक नामक कविता। जैसी भी लगे, आप अपनी राय जरूर रखें। हर एक इंसान का अलग अलग सोचने का नजरिया होता है। मैं ठहरा खेतीहर, इसलिए मेरी कविताओं में आपको खेतों के ही भाव मिलेंगे। मेरी लगभग कविताओं की जो बुनियाद है वो खेती और मजदूर वर्ग के आसपास बुनी गई है। इसी क्षेत्र से आता हूँ तो इसलिए मेरी कविताओं का प्रभाव इन पर गहरा है। जैसी भी है, तब सुनिएगा अब मारा खेतड़िया शीर्षक नामक मेरी कविता है, राजस्थानी कविता है। अरे काला काला बदलिया मेघो सुनटो मचान तो बेगो आ रहे, अरे मारे खेतारा बाजरिया बुलावे, मारे मोठिया मुंगड़ा थाने उडीक लगावे, मारे मोठिया मुंगड़ा थाने उडीक लगावे, ओ मेवड़ा थाने बरसनो पड़सी, ओ मेवड़ा थाने बरसनो पड़सी, मारे गंवारिया आलसदाई जावे, मारा गंवारिया आलसदाई जावे, मारे खेतारा तिलड़ा
उंडा घुसता ही जावे मारे खेतारा तिलड़ा उंडा घुसता ही जावे जावे अरे बे मतीरी है काकड़ियांगी टिंड सीगी बेल बेला है जकी थाने बांग मार के सुनावे बांग मार के सुनावे अरे कला कला बदलिया मारे बे कुकता खेतड़िया मेवड़ो बुलावे बे मारा कुकता खेतड़िया मेवड़ो बुलावे। ये मेरी एक राजस्थानी कविता थी मारा खेतड़िया शीर्षक नामक, तो मेरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब अगली कविता का रुख करते हैं। अगली कविता है मेरी संघर्ष शीर्षक नामक मेरी कविता है। मैं तो सभी बंधनों को तोड़ दूंगा, मैं तो इंसानों का नाता इंसानियत से जोड़ दूंगा, मैं तो लक्ष्य को पाने का साहस व विश्वास जोड़ दूंगा, मैं तो जीवन का नाता संघर्ष से जोड़ दूंगा, मैं तो जीवन का नाता संघर्ष से जोड़ दूंगा। चाहे जो हो जाए मंजिल के रास्तों को, चाहे जो हो जाए मंजिल के रास्तों से उन पत्थरों को तोड़ दूंगा, जो भी आए राई उनसे मैं अपना नाता जोड़ दूंगा, जो भी आए राई उनसे मैं अपना नाता जोड़ दूंगा। उन राहगीरों का रुख मंजिल की ओर मोड़ दूंगा, उन राहगीरों का रुख मंजिल की ओर मोड़ दूंगा, बस मैं तो मेरी पावन धरा से सबका विश्वास जोड़ दूंगा, मैं तो मेरी पावन धरा से सबका विश्वास जोड़ दूंगा। मेरी आस्था प्रभु पर छोड़ दूंगा, मैं इंसान का नाता इंसानियत से जोड़ दूंगा, मैं इंसान का नाता इंसानियत से जोड़ दूंगा। ये संघर्ष शीर्षक नामक कविता थी मेरी, क्योंकि इंसान के लग ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया होगा। संघर्ष की दास्तां सबके पीछे छुपी होती है। हर एक इंसान ने संघर्ष किया है, चाहे उसने किसी तरीके से किया हो, और संघर्ष ही मनुष्य की सफलता का कारण बनता है। चलिए अगली कविता का रुख करते हैं। फसलें शीर्षक नामक मेरी अगली कविता है फसलें। अब की बार फसलें उदास है, वो खेती हर हताश है, वो खेती हर हताश है। अरे अभी तो टिड्डियों का महाविनाश है, धरापुत्र की हालत बद से बदतर हो गई है, धरापुत्र की हालत बद से बदतर हो गई है, उसकी तो फसलें चौपट हो गई है, उसकी तो फसलें चौपट हो गई है। खेती हर की हंसती खेलती दुनिया से मानो खुशी गायब हो गई है, खेतों में उन चमकती फसलों से रोशनी एकाएक फुर हो गई है, फुर हो गई है। वो खेती हर तो निर अपराधी मारा गया, वो जीत और हार के रण में खुद ही हारता गया, जीत और हार के रण में खुद ही हारता गया। ये फसलें शीर्षक नामक मेरी कविता थी। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ टिड्डियों ने उत्पात मचाया था, जिसने किसानों को काफ़ी हानि हुई थी, उन्हें काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। अब चलिए अगली कविता का रुख करते हैं हम। मैं किसान हूँ शीर्षक नामक मेरी अगली कविता है। फाड़ के जमीन उम्मीद का दाना बोता हूँ, फाड़ के जमीन उम्मीद का दाना बोता हूँ, फिर भी मैं हर पल रोता हूँ। मैं किसान हूँ सुख से कहाँ कब सोता हूँ, फिर भी आफत के समय में सबसे आगे होता हूँ। कभी अनर्थकारी काल की अनंग को झेलता हूँ, कभी अनर्थकारी काल की अनंग को झेलता हूँ, तो कभी अधम भाव की मार को झेलता हूँ, फिर भी रणभूमि में नित रोज नए हल जोतता हूँ, फिर भी रणभूमि में नित रोज नए हल जोतता हूँ। अपनी आस्था की डोर पुरंदर पर छोड़ता हूँ, अपनी जो आस्था की डोर है वो पुरंदर श्री इंद्रदेव पर वो किसान छोड़ता है। अरे मैं तो अपने सामर्थ्य का पक्का हूँ, अरे मैं तो अपने सामर्थ्य का पक्का हूँ, मैं किसान हूँ दिल का सच्चा हूँ, मैं तो सदियों से अभाव का जीवन जीते आया हूँ, मैं तो सदियों से अभाव का जीवन जीते आया हूँ, अरे मैं तो अपनी कर्म भूमि पर कर्म करते आया हूँ, मैं तो बस वासनीयता का पास पढ़ाने आया हूँ, अरे मैं तो इस पुनीत असला की क्षुधा मिटाने आया हूँ, बस मेरा तो एक ही उसूल है, ना रुकूँगा ना झुकूँगा, मैं तो सिर्फ इस धरा पर आगे बढ़ूँगा, मैं तो इस धरा पर आगे बढ़ूँगा। ये किसानों को समर्पित मेरी ये कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मेरी अगली कविता है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया
मेरी अगली कविता है मेरी दुनिया। इससे पहले मैंने आपको किसान के बारे में बताया, मैं किसान हूँ, किसान क्या क्या स्थिति में झेलता है और उस स्थिति पर वो अपनी समस्याओं को न देखते हुए भी निरंतर अपना कार्य करता है, अपना कर्म करता है। वो दरा का सच्चा सपूत है, वो दरा के प्रति सच्चा समर्पित इंसान है, वो किसान ही है। क्योंकि जो किसान वर्ग है वो खेतों के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं और वही उसका जीवन है। और यूं कहूं कि हमारे जो यहाँ का आसपास का क्षेत्र है वहां पर सभी लोग कृषि कार्य से संलग्न है, खेती से संबंधित ही कार्य करते हैं। इसलिए मेरी लगभग कविताएं आपको वहीं उसी दरा के आसपास नजर आएगी, उसी मजदूर वर्ग के आसपास नजर आएगी। चलिए, मेरी दुनिया शीर्षक नामक मेरी कविता है। मेरी दुनिया उजड़ती जा रही है, मुझे तो कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। कोरोना का ये काल ले डूबा, मैं मजदूर मजबूर होते ही जा रहा हूँ। मैं मजदूर अपना विश्वास खोते ही जा रहा हूँ। घर में अब कुछ नहीं बचा है खाने को, अब तो मानो जिंदगी किराएं छूटती जा रही है, जिंदगी किराएं छूटती जा रही है। अब विवश श्रमजीवी की हर आस लूटती जा रही है। अब तो मानो उसकी सांसें टूटती जा रही है, उसकी सांसें टूटती ही जा रही है। अरे वो मजदूर मजबूर तो हर पल बिखरता ही जा रहा है, वो तो हर पल हर दिन घुटता ही जा रहा है, हर दिन हर पल वो तो घुटता ही जा रहा है। मेरी अगली कविता से मैं पहले अगर हम बात करें इस कविता की, तो इसमें मजदूर वर्ग की मैंने कुछ समस्याओं को उभारने का प्रयास किया, क्योंकि आज मजदूर वर्ग है तो वो पीछे क्यों है। मान लीजिए कुछ रोजगार के साधन खुल गए हैं, फिर भी क्योंकि वहां अगर मान लीजिए पहले एक दुकान पर चार इंसान कार्यरत थे तो आज उसको एक की जरूरत है, तो वो तीन तो बेरोजगार हो गए। इसलिए जो मैंने देखा है वो मैंने बयां किया। अब मेरी अगली कविता होगी, आखिर खेत मेरे टूटे, आखिर खेत मेरे टूटे। इस बार वर्षा खूब आई, हल्दर की खातिर खुशी की लहर लाई, हरियाली खेतों में चांद तारों की तरह जगमगाई। अरे वर्षा खूब आई, खेतीहर ने सोचा अब फसल होगी मनचाही। सहसा उसने देखा टिड्डियों की आफत ने घोर तबाही मचाई। उस धरापुत्र की उम्मीद कभी आसमां तो कभी धरा की तरफ आई। फिर सोचा अब क्या होगा, क्या करें हम हल्दर, खेतों में कभी ताली बजा रहे हैं कभी थाली बजा रहे हैं। वादों के ठेकेदार तो होटलों में आराम फरमा रहे हैं, अरे उनका क्या जाएगा। खेत तो मेरे मुझ खेतीहर के टूटे हैं, अरे बच्चे तो मुझ खेतीहर के भूखे हैं, अरे बच्चे तो मुझ खेतीहर के भूखे हैं। किसानों को समर्पित मेरी ये कविता थी, खेत मेरे टूटे, शीर्षक नामक जो कविता थी ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं मेरी अंतिम कविताओं का कुछ रुख करूं, उससे पहले अब आपको बस अंतिम चरण में एक दो कविताएं और सुना पाऊंगा। अब मेरी कविता है बारिश का दौर। अरे अभी तो बारिश का दौर आया है, मानो हर वक्त खुशियों का बौर आया है। अरे अभी तो बारिश का दौर है, बादलों में बरसने का लौर है, आसमां में बिजली कड़कने का शोर है। अरे अभी तो बारिश का दौर है, बच्चों की लीलाओं का अपना एक जोर है। अरे अभी तो बारिश का दौर है, अरे हर पल चहकते हैं उन पक्षियों का मनमोहक शोर है। महकती फसलों का नवरुख हरियाली की ओर है, महकती फसलों का नवरुख हरियाली की ओर है। अरे अभी तो बारिश का दौर है, मानव सबके हृदय में नई उमंग नए एहसास का नव जीवन की ओर है। बस प्रकृति का यह सुनहरा दृश्य भी मन विभोर है।
अरे अभी तो बारिश का दौर है, अरे अभी तो बारिश का दौर है। ये मैंने बारिश के दौर से संबंधित जो बारिश का मौसम है इन दिनों में, उनसे उत्पन्न ये रचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं तो वहां जितनी गर्मी पड़ती है और उतनी सर्दी पड़ती है, दोनों बराबर का बैलेंस रखते हैं। सबसे अधिक गर्मी यहीं पड़ती है, अगर सर्दी भी देखोगे तो बहुत तेज पड़ती है यहाँ। इसलिए अब गर्मी का माहौल है, पीछे कुछ वर्षा हुई थी तो इस बारिश का दौर शीर्षक नामक कविता की रचना की। अब मेरी अंतिम कविता परमात्मा को समर्पित। हे करतार, जो अच्छा करूं, जो अच्छा करूं उसका माध्यम आप, जो बुरा करूं उसका माध्यम मैं खुद। बुरा का आश्रय मैं खुद लेता हूं, अच्छे का आश्रय हे करतार, हे परमपिता मैं तुम्हें देता हूं, हे परमपिता मैं तुम्हें देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो लोग मेरे साथ जुड़े, गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रवीर सिंह जी, देवकरण और भी, मेघराज जी और भी अन्य लोग जो जन सरोकार मंच है उसका बहुत बहुत आभार। हाँ, आप इस कार्यक्रम को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि मुझे जो मेरी आवाज़ है वो आपको जन जन तक पहुंचानी है। लाइक कमेंट के माध्यम से जो अपने विचार है, जो अपनी सहानुभूति है वो मुझे जरूर दें। और जो ये मंच है जन सरोकार मंच, इसको आप लाइक करें, इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और जो आज का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर करें। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। जन सरोकार जो मंच है उसका हार्दिक बधाई और धन्यवाद, और जोशी जी का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।